दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं वीडियो से कैसे फोटो को कट करके निकालता हूँ और उसको अपने थंबनेल में चिपकाता हूँ। मैं नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी ऐसा करते हैं, यानी कि जो वीडियो होता है उन्हीं से फ़ोटो कट करके अपने थंबनेल में चिपकाते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल को देखते भी होंगे कि ये सारा जो मेरा फ़ोटो आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये मैंने वीडियो से ही कट करके निकाला है, कायन मास्टर से ही कट करके निकाला है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप किसी भी वीडियो में, जब आप कोई भी वीडियो आप शूटिंग करते हैं, तो उस शूटिंग का ही फ़ोटो आप कैप्चर होता है, हर फोटो का ही वीडियो मिलकर एक वीडियो बनाया जाता है। तो आप फोटो को कैसे कट करके निकाल के आप उसे थंबनेल में चिपका सकते हैं, आप जो बताएं यार अच्छा भी लगता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये सारा मैंने वीडियो पर ही शूटिंग किया, यानी कि ये मेरा जो भी फ़ोटो आप लोग देख पा रहे हैं ये मैंने वीडियो से ही निकाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आप किसी भी वीडियो से फ़ोटो कैसे निकाल सकते हैं और उसे अपने थंबनेल में कैसे चिपका सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं इंटरनेट मास्टर जी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ गया कायन मास्टर पे। सबसे पहले यहाँ तो आप एडिट करते हैं किसी भी फोटो को, आप एडिट करते होंगे। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी कलर आप रखते होंगे, तो मैं भी कोई भी कलर एक चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी कलर एक ले लेता हूँ, इसको ही ले लेता हूँ। मैं थंबनेल में यूज करता हूँ इसी फोटो को, तो मैं इसे यहाँ से ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ से अपना वीडियो जो शूटिंग किया हूँ, जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं इसका बैकग्राउंड हटाना चाहूँगा तो मैं इसे क्रॉप करके हटा देता हूँ। मैं आप लोगों को इसके लिए वीडियो भी बनाया था। मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे एक थंबनेल बनाना चाहिए, या तो कहीं से एक मुझे थंबनेल बनाना चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में मुझे एक थंबनेल बनाना चाहिए, या ये सिचुएशन में मुझे थंबनेल बनाना चाहिए। मैं यहाँ से कट कर निकालना चाहता हूँ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र डालना है, यहाँ पे मैं इसका चिपका दे रहा हूँ। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्लेन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फोटो गैलरी में सेव हो चुका है, यानी कि ये जो इमेज है इस सोलो मोशन के साथ, इस मोशन के साथ आपके गैलरी में सेव हो चुका है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड हटा कर भी, मैं बैकग्राउंड हटा कर ही किसी भी फोटो को कैप्चर करता हूँ। मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैं किस तरह से कैप्चर करता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड यहीं से हटा लेता हूँ। आप पिक्सल पर भी हटा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से इसको हटा देता हूँ। क्रोमा के का मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, और मैं मेरा बैकग्राउंड, वीडियो का बैकग्राउंड यहीं से मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कैप्चर करता हूँ। तो ये आपका फोटो जो गैलरी में है ये सेव हो जाएगा। वरना यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लेयर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया और ये लेयर में ऐड हो गया। तो इस तरह से, और अब मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाता हूँ। चला जाता हूँ मैं पिक्सल लैब पर, मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर रखा है। ये रहा जो मैंने आप लोगों को लोगो बनाने के लिए सिखाया था। तो मैं यहाँ से मैं कुछ एक नया टैब ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं उस फोटो को ऐड करता हूँ जो मैंने अभी कैप्चर किया है। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ, जो यहाँ टेक्स्ट है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा गैलरी फॉर्म। देखिए फॉर्म गैलरी का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने फ़ोटो अभी वहाँ पर क्लिक किए थे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दो या चार फोटो अभी मैंने कैप्चर किए थे, तो कैप्चर फोल्डर आपको बन जाएगा और अपने फ़ोटो ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब मुझे जो लिखना होता है वो मैं यहाँ से इसे लिख सकता हूँ, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी करते हैं। अब मुझे जो लिखना होता है आप इसे लेयर में भी ऐड कर सकते हैं, मैं बैकग्राउंड में ऐड करके आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर आप लेयर में करेंगे तो आप इसे आसानी से कस्टमाइज पूरी तरह से कर सकते हैं, इसे क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को टाइमलाइन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आप कायन मास्टर से थंबनेल बना सकते हैं फोटो को कट करके। तो यहाँ से आप जो थंबनेल में आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो रही बात इसका फ्रंट तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप कस्टम फ्रंट कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ कि आप पिक्सल ऐप पर कस्टम फ्रंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कस्टम फ्रंट का ही यूज करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं अब ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से, बड़े ही आसानी से आप यहाँ पे थंबनेल बना सकते हैं।
और अच्छा से अच्छा आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं पिक्सल एप और कैम मास्टर की मदद से। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल का ये पहला वीडियो देख रहे हैं या तो आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है और आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना हमारे चैनल को।